आरएमएस के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं और उससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातों के ऊपर आज बात करेंगे। कैसे आप एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करेंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, इट्स वेरी इजी, आप सिंपली गूगल में आरएमएस भी सर्च करेंगे, आपको ऑफिशियल साइट देखने को मिल जाएगी जो कि है rashtriyamilitaryschools.edu.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाएंगे, आपको वेबसाइट याद करने की जरूरत नहीं, मैंने क्या कहा, गूगल में आरएमएस सर्च करना है आपको बस। इस तरीके की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, इसको आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरीके से आपको सीटी कॉर्नर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का। और इस तरीके से आप ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे, इस ये वही वेबसाइट है जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया था, इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करेंगे क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है NIELIT अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, तो इसमें ACC एग्जाम के बारे में भी दिया है, लेकिन हमें स्क्रॉल डाउन करके RMS के बारे में देखना है। और इसको क्लिक करते ही आपको वो लेटेस्ट न्यूज़ का लिंक देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर RMS CET रिटन एग्जामिनेशन फॉर 6th and 9th टू बी हेल्ड ऑन 8th of December और संडे है उस दिन। इसको क्लिक करते ही ये इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको डालना है अपना एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन ID जो कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जनरेट हुआ होगा, आई होप कि आपने उसको प्रॉपरली सेव करके रखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, इमेज जो जनरेट होगी वो आप यहाँ डालेंगे, डाउनलोड एडमिट कार्ड करेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से दो सैंपल्स भी मेरे पास हैं 6th और 9th का, ठीक है। अब जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो इसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस है ना इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स के लिए, वो मैं चाहता हूँ कि एक एक करके आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर लूँ। तो आइए बढ़ते हैं एडमिट कार्ड की तरफ। तो इस तरीके से एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा, 6th और 9th की टाइमिंग सेम है, सब कुछ सेम है, इंस्ट्रक्शंस भी सेम है। तो मैं यहाँ पर 6th का एक एडमिट कार्ड एक बच्चे का लिया है, एप्लीकेशन नंबर आएगा, वो हम लोगों ने छुपा रखा है, रोल नंबर आप देख सकते हैं, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके की सारी डिटेल्स होंगी, आइडेंटिटी डिटेल्स, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर है। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस RMS ने लगाए हैं और आप उसे ओरिजिनल ID लाने की बात करिए, तो यहाँ पर जो भी क्रेडेंशियल्स आपने डाले हैं वही क्रेडेंशियल्स आपकी ID कार्ड से भी मैच होने चाहिए, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी बच्चों ने, मेजॉरिटी ने आधार कार्ड यहाँ पर डाला होगा, ठीक है। सेंटर कोड भी यहाँ पर मैंशनड है, ठीक है। उसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस भी है, जो देहरादून वाले बच्चे हैं उनका देहरादून वाला मैंशन है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 दिसंबर हमें मालूम है, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे की है, ओके। गेट क्लोजिंग इज 10 AM, अगर आप 10 बजे पहुंचे तो भैया गेट क्लोज हो जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एग्जाम टाइम है 11 से 1.5 घंटे का पेपर है, मॉर्निंग 11 से 1:30 PM तक आपका एग्जाम जाएगा, याद रखना रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे, तो 9 बजे पहुंच जाना, 10 बजे के बाद गेट क्लोज हो जाएंगे। अब इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए, ये मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं 1 by 1 सारे इंस्ट्रक्शंस आपको बताना चाहता हूँ। पहला इंस्ट्रक्शन है, प्लीज विजिट द वेबसाइट सो एंड सो रेगुलरली फॉर एनी अपडेट्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो ऑलरेडी ठीक है, हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद करते रहेंगे, रिजल्ट के लिए वेबसाइट देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज इंश्योर टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड टू द एग्जामिनेशन सेंटर, फेलिंग विच कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर। ऐसा प्रिंट आउट अगर आपने नहीं निकाला और ये आप नहीं ले जाओगे तो आपको अलाउ नहीं करेंगे सेंटर में, याद रखना। सो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा अपने एडमिट कार्ड का। तीसरा पॉइंट है, कैंडिडेट्स मस्ट कैरी गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल। इस बात को मैं फिर से थोड़ा सा और इसमें मैं बच्चों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, ओरिजिनल मंगाया गया है भैया, तो फोटो कॉपी मत ले जाइएगा अपने आधार कार्ड का, ओके। ओरिजिनल मांगा गया है, फेलिंग विच द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन। अगर आप ओरिजिनल नहीं ले जाएंगे तो आपको फिर से एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं घुसने दिया जाएगा, एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। द क्रेडेंशियल्स ऑफ द ID प्रूफ मस्ट मैच विद द एडमिट कार्ड, तो जो भी आधार कार्ड का नंबर है वो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड नंबर देखेंगे, हाँ भाई सेम है, चलो अंदर, ओके। अगर उसमें भी कुछ गड़बड़ होगी तो दे विल नॉट अलाउ यू। इन केस द फोटो इन द ID कार्ड इज नॉट क्लियर, देन एडिशनल फोटो ID इज इन द ओरिजिनल इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड। अगर आपकी, आप जो भी ID कार्ड ले आएंगे, अगर आपकी फोटो उसमें साफ नहीं है तो एक एडिशनल फोटोग्राफ जरूर अपने साथ कैरी कीजिएगा, पासपोर्ट साइज। वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ्स आर ओरिजिनल्स ऑफ पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ठीक है। तो आपको वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ्स के एग्जांपल्स यहां पर दिए हैं, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार हो सकता है। ऑल अदर IDs इवन इफ अटेस्टेड स्कैंड, ओके, या वो मोबाइल फोन में क्यों ना, विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड ID प्रूफ। इनके अलावा जो जो कि ये जो सरकारी IDs हैं,
इसके अलावा अगर कुछ और भी हो आईडी आपके पास, आप अटेस्ट भी करवा लो, आप फोटोकॉपी ले जाओ आधार कार्ड का, आपने गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा रखा, नहीं चलेगा भैया। स्कैंड फोटो ऑफ आईडीज इन मोबाइल फोन में आप दिखाओगे ना, स्कैंड ऐसे मोबाइल फोन में अपना आधार कार्ड दिखाओगे कि ये हमारा आधार कार्ड है, नहीं चलेगा। साफ साफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, इस बार आरएमएस काफी स्ट्रिक्ट है फोटो आईडी या वैलिड आईडी प्रूफ को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल आपको कैरी करनी है। आधार कार्ड आराम से डाउनलोड हो जाता है, अगर जो भी रजिस्टर्ड नंबर होता है उसके साथ आपने डाउनलोड आधार कार्ड, एक बेसिकली वेबसाइट है उसकी, देखिए डाउनलोड आधार कार्ड लिखेंगे गूगल में आ जाएगा, वहां से आप अगर आपके पास नहीं है आधार डाउनलोड करें और उसका फोटो पेपर में प्रिंटआउट निकाल के ले जाएं ओरिजिनल। कैंडिडेट, देखिए बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, थर्ड पॉइंट आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया है। कैंडिडेट शुड ब्रिंग 2 blue बॉल पॉइंट पेन फॉर द एग्जामिनेशन, याद रखना बॉल पॉइंट पेन, ओके, फाउंटेन पेन जेल पेन मत ले जा लेना वहां पर बबल्स को फिल करने के लिए, ब्लू या ब्लैक दो ले जाना पेन, ताकि अगर एक खराब हो गया तो दूसरा हो आपके पास बैकअप के लिए, ठीक है। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज टू बी मार्क्ड बाय कैंडिडेट इन ओएमआर आंसर शीट विद बॉल पॉइंट पेन ओनली बाय डार्कनिंग द सर्कल्स, ओके। ओएमआर शीट को जब डार्क करोगे तो बॉल पॉइंट पेन ही होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट, देखिए इसको थोड़ा डार्क भी किया गया है तो ये इंपॉर्टेंट है, सुन ले ध्यान से। द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट द शेड्यूल रिपोर्टिंग टाइम, जो भी रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे का दिया है तो भैया 9 बजे रिपोर्ट कर लेना, क्योंकि क्या है ना समय लगता है वहां पर बच्चों को बिठाने में और सारी चीजें अरेंजमेंट में समय लगता है, बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं ना। कैंडिडेट एंट्री विल बी क्लोज्ड एज पर गेट क्लोजिंग टाइम मेंशनड, 10 बजे जैसे क्लोजिंग टाइम है तो उसके बाद एंट्री क्लोज हो जाएगी, याद रखना। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम, गेट क्लोजिंग के टाइम भैया आपको अलाउ नहीं करेंगे, कुछ भी कर लीजिए आप। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइज, ऐसा नहीं कि घंटी बजी या टाइम ओवर हो गया तो आप भागे, नहीं, इन्विजिलेटर आएगा आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, उसके हिसाब से कार्य करें, काम करें। सिक्स्थ पॉइंट दिया है, द कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली परमिटेड टू अपियर फॉर द ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन एज पर द शेड्यूल्ड इश्यूएंस ऑफ द एडमिट कार्ड डजंट मीन दैट द कैंडिडेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एलिजिबल। अरे भाई, आपको बेसिकली जो परमिट किया जा रहा है ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन देने के लिए एज पर द शेड्यूल्ड, आपके पास एडमिट कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम एलिजिबल हो या आप आरएमएस आपने क्वालिफाई कर दिया है, ओके। इसका मतलब सिर्फ ये है कि बेसिकली आपके पास सिर्फ एडमिट कार्ड होने की वजह से सारी वेरिफिकेशन करेंगे, इसका मतलब नहीं कि आप एलिजिबल हो, ओके, ये चीज ध्यान रखना। सेवन पॉइंट है, कैंडिडेट शुड इंश्योर टू सिट ऑन द सीट एलोकेटेड एज पर द सीटिंग प्लान, इसको भी डार्क किया गया है, एंड टू साइन ऑन द अटेंडेंस शीट अगेंस्ट हिज और हर रोल नंबर। ये आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, लेकिन मैं अभी भी फिर से बताना चाहता हूँ कि जो भी सीट एलोकेट होगी वहीं पर बैठना है, और जब अटेंडेंस शीट आएगी तो आपको इन्विजिलेटर बताएगा कहाँ साइन करने हैं, तो वहाँ प्रॉपर तरीके से साइन करने। ही और शी शुड ऑल्सो इंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स आर करेक्टली रिकॉर्डेड फील्ड ऑन द अटेंडेंस शीट एट द टाइम ऑफ साइनिंग इट। और आप जब साइन करेंगे अटेंडेंस शीट में तो देख लेना जो आपकी डिटेल्स है वो सही है या नहीं है। The presence of the candidate in the exam would be accepted only if his or her signature appears on the physical attendance sheet against his or her roll number. आपके roll number के आगे अगर आपका आपके attendance sheet में आपका sign होगा तभी आपको आपकी attendance मानी जाएगी, otherwise ये माना जाएगा कि आपने exam दिया ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, important है, okay। ये सारे instructions आपको दिए जाएंगे, ये बात के लिए भी हैं, लेकिन सारे points मैं चाहता हूँ कि अभी discuss कर लूँ आपसे। एट्थ पॉइंट है, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स लाइक बुकलेट सीरीज, बुकलेट नंबर, आंसर शीट नंबर आर करेक्टली रिकॉर्डेड, ओके, फील्ड ऑन द अटेंडेंस शीट एट द टाइम ऑफ साइनिंग इट। ध्यान रख लेना जो अटेंडेंस शीट होगी उसमें बुकलेट सीरीज नंबर, बुकलेट नंबर, आंसर शीट नंबर करेक्टली फील्ड होनी चाहिए। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल टिल द एग्जाम टाइम इज ओवर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जब तक टाइम ओवर नहीं हो जाता आप एग्जामिनेशन हॉल को लीव नहीं कर सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट कहता है आपसे, इन केस फोटोग्राफ प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड इज नॉट विजिबल क्लियरली, जैसे एडमिट कार्ड है अगर इसमें आपकी फोटो अच्छे से विजिबल नहीं है तो आपको क्या करनी है, एक पासपोर्ट साइज फोटो उस पर पेस्ट करनी है एडमिट कार्ड में, एंड ब्रिंग वन सेपरेट स्टैम्प साइज फोटोग्राफ एंड हैंड ओवर टू द इन्विजिलेटर फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस शीट। तो आपके करना एक अलग से फोटो ले जाना, दो फोटोएं ले जाना, एक तो आपके एडमिट कार्ड में पेस्ट होगी और एक आपके अटेंडेंस शीट में पेस्ट होगी, ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि आपके एडमिट कार्ड में आपकी फोटो अच्छे से प्रिंट नहीं हुई है। टेंथ पॉइंट है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट दैट द आइटम्स लिस्टेड बिलो आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, भैया ये आइटम्स जो नीचे दिए हैं इसको मत ले जा लेना गलती से, इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर बुक्स, नोट्स,
बिट्स ऑफ पेपर्स, तो प्रॉपर अपने अपनी पॉकेट्स चेक कर लीजिएगा कि आपके पास कहीं पेपर के टुकड़े ना हो। ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स कुछ नहीं चाहिए, दो पेन लेकर जाना है आपने बस। प्लास्टिक का पाउच नहीं होना चाहिए, लॉक टेबल, राइटिंग पैड, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड भी नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चे कुछ सोचते हैं कि ओएमआर शीट हम फिल करेंगे तो कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, नहीं चाहिए। क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी आप ओएमआर शीट रखकर आराम से उसको आप डार्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चों की डिजिटल वॉच होती है, मत कैरी कीजिएगा भैया, एनालॉग है तो कैरी कर लीजिएगा। स्मार्ट वॉच भी नहीं चाहिए, वॉलेट भी नहीं होना चाहिए बच्चों के पास। स्मार्ट गूगल क्लासेस, हैंड बैग, कैप, मोबाइल फोन्स, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, कैमराज, हेडफोन्स, पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर्स, पता नहीं क्या क्या, ये तो बच्चे कैरी भी नहीं करते। तब भी कुछ खाने पीने का भी सामान नहीं चलेगा। ईयरबड्स, एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, ब्रेसलेट और एनी अदर आइटम्स विच कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स नहीं होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ध्यान से सेंटर जाइएगा, आपको टाइम के बारे में सब वो इन्फॉर्म करेंगे। कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, दो पेन की जरूरत है बस, बॉल पॉइंट पेन होने चाहिए, याद रखना। अगर इट इज फर्दर क्लैरिफाइड, ध्यान देना, दैट देयर शैल बी नो अरेंजमेंट एट द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर कीपिंग द अफोर्सेड आइटम्स, जो ये कहे हुए आइटम्स है ना, अगर आप ले गए ना तो उनके पास कोई इसका अरेंजमेंट नहीं है उसको रखने का, तो आपका अपने रिस्क। अगर सपोज आप फोन लेकर चले गए वहां पर, आपके पेरेंट्स ने आपको फोन दे दिया, तो फोन लेकर अगर आप जाएंगे तो वो फिर वहां पर अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो फोन आप कहीं भी रखे, चोरी हो गया तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वही इन्होंने यहां पर कहा, इफ एनी आइटम इज ब्रॉट बाय द कैंडिडेट एंड द सेम इज लॉस्ट, नीदर द सेंटर नॉर एनआईई एलआईटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सच लॉस। ओके, कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड आइदर नॉट टू कैरी द aforementioned items with them or on the date of the examination or to make their own arrangements for keeping such items outside the examination center at their sole risk. ठीक है, पहली बात तो मत लाएं, जब लाएं तो अपने अरेंजमेंट कर लें भैया। तो ये तो हाथ एकदम खड़े कर लिए हैं इसमें NIE LIT ने, और बेसिकली जिस आपके इंस्टीट्यूशन में होगा वो हाथ खड़े कर रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। अच्छा, possessing any of the prohibited items by the candidate inside the examination center will be considered as indulging in unfair means and appropriate action will be initiated against such candidate besides cancellation of his or her candidature. याद रखना भैया, ये सब चीजें ध्यान रखना, कुछ मत कैरी मत करना, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी आपके खिलाफ। ठीक है, इवन आपका कैंडिडेचर को भी कैंसिल वो कर सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। 12th point, if any candidate is found to have indulged at any stage of examination in any malpractices, irregularities, using in the possession of such unauthorized material, indulging, copying and all, his candidature shall be summarily will be disqualified, ejected and cancelled. वही कहना चाह रहा है कि अगर कोई बच्चा पकड़ा गया है सारी चीजें कुछ करते हुए, गलत कुछ अनफेयर काम करते हुए पकड़ा गया, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 12 पॉइंट्स हैं जो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। 13 पॉइंट है, डू नॉट कैरी एनी क्वेश्चन बुकलेट, पेपर और एनी पार्ट आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन टाइम। मतलब आप जो भी बुकलेट है वो पहले कैरी मत कीजिएगा, एग्जाम पूरा होगा, टाइम आपका पूरा होगा तब आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो वैसे वहां हो गई। डूइंग सो इज अ पनिशेबल ऑफेंस, हाउएवर द कैंडिडेट्स आफ्टर कंप्लीशन कैन टेक द क्वेश्चन पेपर एंड ऑल। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर पहले तो वैसे भी नहीं ले जा सकते, पता नहीं इंस्ट्रक्शन कौन दिया है, लेकिन याद रखना उन्होंने साफ साफ लिखा है कि पनिशेबल ऑफेंस है भैया। अच्छा, अब ये भी ध्यान देना, जो ओएमआर शीट होगी वो डुप्लीकेट होगी। डुप्लीकेट का मतलब होगा दो कॉपी होगी, एक ओरिजिनल कॉपी होगी ओएमआर शीट की और एक कार्बन कॉपी होगी, क्योंकि जब आप गोले मारोगे ना तो एक तो ओएमआर शीट होगी जो मेन होगी आपकी, और पीछे जो कार्बन कॉपी होगी वहां पर भी गोले आ जाएंगे। ठीक है, दोनों ही ओएमआर शीट, ओरिजिनल वाली और कार्बन कॉपी वाली, आपने इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करनी है। ऐसे नहीं कि कार्बन कॉपी वाली जेब में डाल दी, नहीं। अगर कैंडिडेट फेल्स टू हैंड ओवर द ओरिजिनल विथ द कार्बन कॉपी वन टू द इन्विजिलेटर, उसका कैंडिडेचर कैंसिल। अगर आपने सपोज कार्बन वाली नहीं दी, ठीक है, कार्बन वाली जेब में डाल दी, तो कैंडिडेचर कैंसिल जाएगा, भूल जाओ फिर आरएमएस। कैंडिडेट शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्विजिलेटर, सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर्स ऑफ द एग्जामिनेशन कंसर्न्ड, सेंटर कंसर्न, नॉन ऑब्जर्वेंस देयर ऑफ शैल रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन, रिजेक्शन। तो भैया वहां पर जो भी इन्विजिलेटर है उसकी बात मान लेना, नहीं मानोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको भी डार्क किया गया उन्होंने, कैंडिडेट मे हैव टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फ्रिस्किंग अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ चेकिंग। ठीक है, एक तो नॉर्मल प्रोसेस होती है और एक तलाशी ली जाती है आपकी बॉडी की, भैया कोई अनफेयर मीन्स तो नहीं है, कहीं बच्चा फर्रा लेके तो नहीं आ रखा। ओके, तो ये फ्रिस्किंग का मतलब होता है उसकी तलाशी लेना, तो आपकी तलाशी ली जा सकती है, याद रखना, ऑन द डे ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट,
ओके मतलब कुछ ऐसी चीजें कैरी मत कीजिएगा। सो आई होप कि 16 के 16 पॉइंट्स आपके क्लियर हैं, कैसे आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा फाइनली ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, दिस आर द नंबर्स हैव, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू कॉल इन दिस गिवन नंबर्स, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।